नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है जेआर पड्डा हिंदी मीडियम चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं मुख्यतया किनकी, और आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं भारत की जो ऋतु व्यवस्था है उसके बारे में, यानी कि जलवायु के बारे में पढ़ने वाले हैं। और भारत की जो जलवायु है वो किस प्रकार की, इससे संबंधित हमने महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला यहाँ पे रखी है। और जेआर पड्डा हिंदी मीडियम और जेआर पड्डा टीम आप लोगों के लिए दिल्ली आ रही है 24 फरवरी को, और आप लोग भी आना न भूलें। और इसके लिए आपको गूगल फॉर्म जो हमारा वो सबमिट करना है। मेरा परिचय है जितेंद्र बागड़ी, बीए बीएड एमए पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी, नेट सेट क्वालिफाई 2021 और सिलेक्टेड इन आरपीएससी स्कूल लेक्चरर और 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस। हमारे द्वारा एक बैच लॉन्च किया गया है ऑटम 2.0, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 साथ में टेस्ट सीरीज, हैंडबुक और क्रेश कोर्स जैसी सुविधाएं मिलेंगी आपको 8,999 रुपये में। दूसरा, अगर आप केवल पेपर 2 लेते हैं तो आपको 6,499 रुपये पे करने होंगे, जिसमें आपको हैंडबुक मिलने वाली है साथ में। ओके, चलो। भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून का सामान्यतः कब से कब तक रहता है, कौन सा मानसून पूछा है। भारत का दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो कब से कब तक रहता है, तो देखिएगा इसका भारत में समय क्या रहता है। ये भारत में जून से प्रवेश करता है और सितंबर तक रहता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा जून से सितंबर तक। दक्षिण भारत केरल से प्रवेश करता है, उत्तर भारत में सितंबर में लौट जाता है, परंतु दक्षिण भारत में ये मूलतः अक्टूबर नवंबर में लौटता है कोरोमंडल तट पर। मालाबार तट पर जुलाई में भारी वर्षा हो रही है तो तमिलनाडु अपेक्षाकृत शुष्क होता है। तमिलनाडु अरब सागरीय मानसून के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर की सही व्याख्या नहीं करता है, ए आर दोनों गलत हैं, एक सही है और एक गलत है। तो मालाबार तट पर जुलाई में भारी बारिश होती है, तमिलनाडु अपेक्षाकृत शुष्क रहता है, बिल्कुल सही बात है। केरल में मानसून प्रवेश करता है, परंतु तमिलनाडु का ये वाला भाग जो है वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। तमिलनाडु अरब सागरीय मानसून के वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, और बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये, इसका कथन और कारण जो है दोनों क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व। देखो, भारत में ये आते हैं उत्तर पूर्व से या उत्तर पश्चिम से। देखो, भारत में शीतकालीन पवनों की जो दिशा होती है वो इस तरफ से होती है और इस तरफ चलती है ये, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इनका क्या होता है, विस्तार होता है। इसमें ऑप्शन में सही नहीं दे रखा है, उत्तर पश्चिम से होगा ये, उत्तर पश्चिम से होगा, ध्यान रखना भाई, ये इसका थोड़ा ऑप्शन गलत है। उत्तर पश्चिम से और दक्षिण पूर्व की ओर हो सकता है, ऐसा ऑप्शन में है नहीं। भारत का ऋतु मानचित्र होता है बॉर्न प्रक्षेपर, मर्केटर प्रक्षेपर और बहुसंख्यीय प्रक्षेपर और अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेपर। एक मर्केटर प्रक्षेप होता है जिसमें ये वाली जो लाइनें होती हैं वो इस प्रकार से पास पास में होती है, फिर इसके बाद में इनकी थोड़ी थोड़ी दूरी बढ़ती जाती है। मर्केटर प्रक्षेप जो होता है ऐसे इसकी दूरियां बढ़ती जाती हैं, और इस प्रक्षेप को मर्केटर प्रक्षेप कहा जाता है। एक तो ये इसके लिए काम आ गया भारत के ऋतु के लिए, दूसरा इसमें ये नाव संचालन के लिए सबसे बेस्ट प्रक्षेप होता है मर्केटर। विश्व का सबसे बेस्ट मैप माना जाता है मर्केटर प्रक्षेप नाव के संचालन के लिए, नौकायन के लिए। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती है तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, अधिक ताप कम वर्षा, अधिक तापमान अधिक वर्षा, कम ताप कम वर्षा, कम ताप और अधिक वर्षा। अगर कर्क रेखा के स्थान पर क्या होती है, विषुवत रेखा। चलो देखते हैं कहाँ पर है कर्क रेखा। ये है कर्क रेखा जिस पर आपका भारत विराजमान है, और ये है आपकी भूमध्य रेखा। अगर यहाँ ये इसकी जगह आ जाती है तो भारत में अधिक तो तापमान होता और अधिक ही क्या होती, वर्षा। हमने ये भी पढ़ा है भूमध्य रेखा पर रोज वर्षा होती है साल में 365 दिन, इसलिए यहाँ पर भी भारत में भी यही स्थितियां बनती। भारत में सूखा जिसका परिणाम है वह है वर्षा की अच्छी प्रकृति, असामयिक वर्षा, अनियमित वर्षा और असमान वर्षा। भारत में सूखा जिसका परिणाम है वह है वर्षा की अच्छी प्रकृति, असामयिक वर्षा, अनियमितता और असमान वर्षा। तो भारत में सूखा जिसका परिणाम है वह है वर्षा की अच्छी प्रकृति, असामयिक वृद्धि, असमान वर्षा, इसलिए तो भारत में सूखा जो है वो लंबे समय तक रहता है। पोपेन ने भारत के को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा है, तो भारत के जलवायु प्रदेशों को पोपेन ने 8 भागों में बांटा है, जिसमें हम पढ़ते हैं ए एस, ए
एम डब्लू, बी एस एच डब्लू, बी एच एस डब्लू और सी डब्लू जी और ए एफ टी और टुंड्रा प्रदेश का टी। इस प्रकार से इन्होंने भारत के जलवायु प्रदेश को कितने भागों में बांटा है? आठ भागों में बांटा है। निम्न में से कौन सा राज्य लौटती हुई मानसून से प्रभावित नहीं होता है? ओडिशा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। जब मानसून लौट रहा होता है तो कौन सा भाग प्रभावित नहीं होता है? उत्तर प्रदेश। जब मानसून लौट रहा होता है तो उत्तर प्रदेश इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि ओडिशा लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, तमिलनाडु में भी और आंध्र प्रदेश में भी। उत्तर पश्चिम से आने वाली जो शीतकालीन वर्षा है उसका क्या कारण है? पश्चिमी विक्षोभ है, निवर्तनी मानसून है, व्यापारिक हवाएं हैं और दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। देखो, दक्षिणी पश्चिमी तो हमारे शीतकालीन मानसून है, व्यापारिक हवाएं जो है हमारे ये चलती हैं, इन हवाओं को व्यापारिक हवाएं कहा जाता है, इससे भी नहीं है। निवर्तन का मतलब होता है मानसून का लौटना, पश्चिमी विक्षोभ का मतलब भूमध्य सागर से आने वाली जो पवने हैं, पछुआ पवने, उसकी वजह से हमारे शीतकालीन वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ। भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अरब सागर से, अटलांटिक से, भूमध्य सागर से और हिंद महासागर से। तो शीतोष्ण जो शीतकालीन वर्षा होती है हमारे, जिसे माउट भी कहा जाता है, या ये वर्षा शीत ऋतु में यानी दिसंबर जनवरी फरवरी में जो होती है, ये किस कहाँ से होती है? भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से पवने आती हैं जिसको जेट स्ट्रीम के संपर्क में आने के कारण भारत में हिमालय से टकराती हैं। एक शाखा इसकी जो है चीन की तरफ निकल जाती है हिमालय को पार करके, दूसरी शाखा भारत के मैदानी प्रदेश यानी गंगा के मैदान तक पहुंच जाती है, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक वर्षा होती है। कोपेन की जो जलवायु है उसके वर्गीकरण में एएस इस भारत के कौन से भाग के लिए उपयोगी है? यहाँ पर पश्चिमी मरुस्थल में तो BWHW BSHW है, मरुस्थल भाग में तो है नहीं। केरल तट पर पॉसिबल हो सकता है, तमिलनाडु के तटीय भाग में और पूर्वी तट में। ध्यान रखना एएस जो है वो तब केरल तट के यहाँ पर क्या है पाई जाती है, एएस जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? केरल तट पर पाई जाती है। भारत के चार प्रमुख नगरों पर न्यूनतम तापांतर कहाँ पर रहता है? हैदराबाद में, मुंबई में, चेन्नई में और दिल्ली में। तापांतर का मतलब होता है जहाँ पे रात और दिन के ताप में अंतर नहीं हो या वार्षिक तापांतर में अंतर नहीं हो, तो ये जगह आपकी कौन सी होती है? मुंबई होगी, चेन्नई होगी, दिल्ली होगी और हैदराबाद होगा। दोस्तों सबसे उत्तर में है दिल्ली, यहाँ पर तापमानतर जो है वो न्यूनतम होता है, या हैदराबाद चेन्नई में होता है, तो यहाँ पे ताप का जो अंतर है वो सबसे कम रहता है। चेन्नई में ताप का जो अंतर है वो सबसे कम रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ हमेशा गर्मी पड़ती है, तो रात का टेम्परेचर और दिन का टेम्परेचर इक्वल सा ही रहता है। शीत ऋतु में तमिलनाडु में जो वर्षा होती है उसका रीजन है चक्रवात, संवहनीय, पर्वतीय और प्रतिचक्रवाती। देखो तमिलनाडु में शीत ऋतु में इसलिए वर्षा होती है क्योंकि ये लौटता हुआ मानसून है, और यहाँ जो है वो चक्रवाती वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है? चक्रवाती। और ये जब ये वर्षा लौट रही होती है तमिलनाडु से, इस तरफ से जब ये लौट रही होती है, तो बंगाल की खाड़ी से आद्रता ग्रहण कर लेती है और इस भाग में कोरोमंडल तट पर ये क्या करती है? वर्षा करती है, जो चक्रवाती वर्षा के रूप में आता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के पहुंचने के आधार का सही क्रम कौन सा है? कहाँ कहाँ पर ये पहुंचता है? सबसे पहले कोलकाता में, तिरुवनंतपुरम केरल में, तिरुवनंतपुरम केरल और तिरुनायमपुरम केरल में। इसके बाद कोलकाता आएगा या नागपुर आएगा और अहमदाबाद आएगा, नागपुर, अहमदाबाद और कोलकाता। तो देखो अगर अरब सागरी शाखा की बात करें तो अरब सागरी शाखा के हिसाब से तो ये सबसे बेस्ट है, केरल, महाराष्ट्र वाला भाग, अहमदाबाद वाला और कोलकाता। और अगर बंगाल की खाड़ी इसमें ऐड कर ली जाती है तो तिरुवनंतपुरम के बाद में सीधा कोलकाता, फिर महाराष्ट्र और फिर क्या आएगा, तो इसमें दो ऑप्शन सही है अगर इसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागरी शाखा दोनों को जोड़ लिया जाता है तो। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम है जो किस राज्य में स्थित है? मौसिनराम, जहां पर लगभग 1100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। तो मेघालय में गारो, काशी, जो जयंतिया पहाड़ियां हैं और इनमें कीपनुमा पहाड़ियां पाई जाती हैं, जहां विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। पहले इससे पहले जो स्थान था वो मेघालय का ही था और वो कौन सा था? चेरापूंजी था। निम्न में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? नीलगिरी, खासी, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट। निम्न में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र है जो अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो गारो, खासी, जयंतिया, मिकी, रेगमा, ये पहाड़ियां हैं आपके यहाँ पर, तो ये विश्व का
सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला है और इनकी जो आकृति है वो कैसी है, कीप नुमा इनकी क्या है आकृति है। अरब सागरीय शाखा मानसूनों की दिशा होती है, अरब सागर से जो वर्षा होती है उत्तर पश्चिम से दक्षिणी छोर से पश्चिम की ओर, दक्षिण से पूर्व की ओर और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें है दक्षिण पश्चिमी हवा, इन हवाओं की प्रकृति क्या होती है दक्षिण पश्चिमी होती है, मतलब दक्षिण छोर पश्चिमी छोर की ओर। तो ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून कब समाप्त होता है, दिसंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में और जुलाई में। देखो इसके लिए दो कंडीशन है, भारत में ये एक्चुअल में नवंबर के आसपास समाप्त होता है क्योंकि लौटता हुआ मानसून जो है वो कहाँ पर वर्षा कर रहा होता है, कोरोमंडल तट पर वर्षा कर रहा होता है। जब ये कोरोमंडल तट पर वर्षा कर रहा होता है कहाँ पर, तमिलनाडु में। जब तमिलनाडु में वर्षा कर रहा होता है तो ये नवंबर होता है, क्या होता है भाई नवंबर होता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य नहीं चमकेगा या उसके ऊपर लंबवत किरणें नहीं बनेंगी, दिल्ली, चेन्नई, भोपाल और मुंबई। जो सूर्य के ज्यादा नजदीक होंगे भारत में वहां पर तो इनकी स्थिति बनेगी ये वाले, और यहाँ पर देखो सबसे उत्तर में है दिल्ली, तो दिल्ली पर लंबवत नहीं आएगा जबकि चेन्नई में बिल्कुल सीधा है, भोपाल में सीधा है और मुंबई में बिल्कुल सीधा है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, दिल्ली में लंबवत किरणें इसकी नहीं आने वाली है। भारत में किस स्थान पर न्यूनतम तापमान -28 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, कुल्लू, श्रीनगर, लेह और शिमला, बताओ भाई किस स्थान के तापमान की यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन, कुल्लू, श्रीनगर, लेह और शिमला। तो ध्यान रखना मेरे विद्यार्थियों यहाँ पर जो है लेह, लेह में तापमान माइनस से लेकर के प्लस 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। और आज की श्रृंखला का ये हमारा लास्ट प्रश्न है और इसके बाद में हम अगली क्लास में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।